बक्सर में राजकीय कल्याण छात्रावास के बच्चों ने महीने से रोटी नहीं मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। दरअसल बच्चों की शिकायत है कि उन्हें खाने में केवल चावल और दाल ही मिलता है। छात्रों ने कहा कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं। छात्रों ने कहा कि उनके साथ जातिगत भेदभाव की वजह से सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत सुविधाएं कमी है। रात में होटल अंधेरा रहता है और कपड़ा ड्रेस सब नहीं मिलता है, जूता भी नहीं मिलता है। हम लोग रात से भी भूखे हैं और 26 जनवरी को कुछ व्यवस्था नहीं मिला, इसी तरह हम लोग झंडा फहराए हैं। अच्छा सर, आपके सर जो है वो क्या कहते हैं हम लोगों से? हम लोग सर से बोलते हैं सामान के लिए ना, तो बोलते हैं तो अभी नहीं मिलेगा, सब काम हो रहा है, कहते कहते सामान नहीं देते हैं, तो मारते भी हैं कभी कभी। सुनने में आया कि जातिवाद भी कोई बात बोलते हैं, तो ये तुम लोग ऐसे ऐसे कपड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, यही बोलते हैं। वही जेडीयू से बाहर किए गए पूर्व सांसद अली अनवर ने इस राजकीय कल्याण छात्रावास का दौरा किया। अनवर ने लगे हाथों नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। अनवर ने नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा है। विश्वास नहीं हो रहा था तो हम लोग इस छात्रावास में आए हैं और इसको प्रत्यक्षदर्शी हम लोग बने हैं। अपनी आंखों से, इन नंगी आंखों से देखा है कि सचमुच ऐसा ही है। तो इंजीनियर साहब ठीक है ना कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, शौचालय में सब छात्र नौजवान है, शौचालय में सब छात्र नौजवान, और यहाँ के छात्रों को 6 महीना हो गया रोटी नहीं मिल रही है और सब काम सब घटिया सामान इनको खिलाया जा रहा है। बक्सर के कल्याण छात्रावास की हालत वाकई में बहुत खराब है। सरकार को अली अनवर की आलोचना को सकारात्मक तौर से लेना चाहिए और न केवल बक्सर बल्कि पूरे बिहार में कल्याण छात्रावास में बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।